नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के बेस पर ये फिगर ड्रॉ कर दिया गया। इस फिगर से आपको बताना है कि लेंथ ऑफ पी क्यू क्वेश्चन में है कि अ टेंजेंट पी क्यू इज एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। जो टेंजेंट है इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है, सेंटर से लेकर के इसके इस पॉइंट तक जहाँ आर्क है पी जो कॉन्टेक्ट बना हुआ है यहाँ तक, ठीक। अब अगर हम कहीं से भी रेडियस ड्रॉ करें तो रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। सभी जानते हैं कि एक ही सर्कल के सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। फिर कहता है कि अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ओ से क्यू तक एक लाइन खींची गई जहां पर ओ की भी लेंथ 12 दिया हुआ है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो पी क्यू की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन को यहां पर करें, सबसे पहले आप यह समझ लें कि सेंटर से, ठीक है, टेंजेंट को जो टच करेगी लाइन वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, 90 डिग्री जाएगा, राइट। और 90 डिग्री के ठीक सामने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर यह हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस ट्रायंगल में आप बहुत शॉर्ट वे में करें कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रेडियस मीट एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर आपको ओ क्यू गिवेन है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर और ओ पी आपको गिवेन है 5 सेंटीमीटर। देन आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, देन पी क्यू आपको फाइंड करना है। सो पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू होल स्क्वायर माइनस ओ पी होल स्क्वायर। लाइक बेस इज इक्वल टू, बेस फाइंड करना है, बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस होल स्क्वायर माइनस परपेंडिक्यूलर होल स्क्वायर। देन 12 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज पी क्यू होल स्क्वायर। 12 12 जा 144, 5 5 जा 25। देन पी क्यू होल स्क्वायर 14 माइनस 5, 3 माइनस 2 1 119। पी क्यू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक, और 119 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप इसको 119 यहाँ पर गिवन है, तब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर होगा, डी ऑप्शन जो होगा आपका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल पर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच स्टूडेंट। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ सर्किल, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, और एक गिवन लाइन ए बी ड्रॉ कर दिया। अब कहता है कि ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल हमें टू लाइन ड्रॉ करनी है, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक लाइन टेंजेंट बन जाए, एंड अदर सेकेंट और दूसरी लाइन क्या बन जाए, सेकेंट बन जाए, एक लाइन इसकी स्पर्श रेखा बन जाए और एक लाइन इसकी प्रतिच्छेदक रेखा बन जाए। ऐसा मुझे दो लाइनें बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो। तो यहाँ पर आपने ए बी लिखा। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो होता है जो लाइन को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टच करती हुई निकल जाए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया और इसको टच करती हुई निकल गई। मैं इसका नाम दे देता हूँ
सी और डी, ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ए बी के पैरेलल क्या हो गया, सी डी हो गया, सी डी, और यहां से एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और मैं इसको ले लेता हूं कि भैया यहां पर ये ई है और ये पॉइंट एफ है, ये लाइन क्या होगी, सीकेंट होगी। जो लाइन टच करती हुई, सर्किल को टच करती हुई जाए वो टेंजेंट होती है, और जो लाइन सर्किल को दो पार्ट पर, दो पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए उसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं, स्पर्शक वो प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है, इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको इस क्वेश्चन के बेस पर एक लाइन गिवेन है, सर्किल गिवेन है, आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। आप यहाँ पर लिख दें कि जो ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो गया, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ हो गया, जहाँ पर सी डी टेंजेंट है, सी डी टेंजेंट है, और ई एफ जो है इसकी सीकेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।